देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और ये एक तरह से सरकार को और प्रशासन को समझना चाहिए कि यहाँ एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस हमारी सरकार ने खोला था और इसको देखते हुए खोला था कि ये हमारा एक ये पूरा जो इलाका है ये हरियाणा से भी लगता हुआ है, यहाँ इंडस्ट्री भी है, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पूरे देश भर से आके यहाँ काम करते हैं, क्राइम यहाँ बढ़ा हुआ है और ये घटना ना होती अगर प्रशासन यहाँ चुस्त होता। यहाँ चौकी बनी हुई है, चौकी के अंदर कोई रहता नहीं है, यहाँ पुलिस की व्यवस्थाएँ नहीं है, यहाँ जो हमारा ये फ्लाईओवर बना है, रोड बना है, इसके ऊपर कैमरे नहीं है, कोई भी आके कुछ भी करके यहाँ से दो मिनट में फरार हो सकता है और उसके बारे में मालूम नहीं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्री है, उनने 2.5 करोड़ रुपए के खुद ने अपनी जेब से वो कैमरे लगवाए यहाँ और गार्ड भी लगवाए। आप मुझे तो एक तरह से अभी मुझे बताया गया कि प्रशासन ये भी कह रहा है कि खुद गार्ड लगाओ, तो फिर यहाँ पुलिस क्या काम कर रही है? अच्छा, गिरफ्तारी हो गई है, हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ की पुलिस फोर्स, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो और बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ इन मुआवजा मिलना चाहिए, इस परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना ना हो उसके ऊपर पूरा एक एक्शन प्लान बनना चाहिए कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। ये भी बात आई है कि यहाँ व्यापारियों को गन लाइसेंस मिलने चाहिए, वो भी उनके ऊपर मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोषी व्यक्ति जो इन्हें गिरफ्तार करे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रेवाड़ी एक वो शहर है रेवेन्यू के मामले, प्रदेश में केंद्र की भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फिर भी व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, आखिर कब होगा व्यापारी सुरक्षित? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आज जो रेवेन्यू आ रहा है, आज जो राजस्थान सरकार चल रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों का जो एक तरह से खाना पीना पानी बिजली और गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, उसके अंदर भिवाड़ी का पैसा लग रहा है। आज सबसे बड़ा एक रेवेन्यू का स्ट्रीम बना हुआ है भिवाड़ी और उसके बाद भी भिवाड़ी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। आप देखिए रोड की क्या हालत हो रही है, अभी भी हम एक एक दो दो फुट पानी के अंदर से आए हैं यहाँ। तो यही मैं मांग कर रहा हूँ, हमारे माननीय टीकाराम जी ज्योली साहब, नेता प्रतिपक्ष, यहाँ आकर पूरे मामले को उनने खुद ने देखा है, विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं। हमारे आज माननीय विधायक ललित यादव जी भी हैं यहाँ, सभी हमारे साथी भाई संदीप जी हैं, इमरान जी हैं, पूरे हमारे सब साथी यहाँ हैं। इस मामले को हम व्यापारियों को साथ मिलकर हम इसको उठाएंगे, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं है। आज कुछ मांग रखी है सर, इन्हें सबसे बड़ी एक जो मांग रखी है कि मुआवजा मिलना चाहिए, उसके साथ साथ सरकारी में नौकरी मिलनी चाहिए और वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। और सरकार की कमी रही है, सरकार को अपनी कमी मानते हुए यहाँ दोनों ही मांग इनकी पूरी करनी चाहिए। जहाँ तक गार्ड की बात है, जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर भर्ती है, उनसे मैं वहाँ के हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो प्रशासन है वो मेरे संपर्क में है, उनसे मैं बात करके उसका अच्छा इलाज करवाएंगे और उम्मीद ये करते हैं कि अब सरकार को जितनी चाहिए। आज पूरे जिले के अंदर क्या माहौल बना हुआ है, नीमराना में क्या होता है, तिजाना में क्या हो रहा है, अलवर शहर के अंदर बीच में चोरी होती है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, इसके साथ साथ शाहजहाँपुर में क्या हुआ है, बहरोड में जो मामले हो रहे हैं। तो आज ये मुझे हैरानगी हो रही है कि जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे जो कर रहे थे उसके ऊपर ये बिल्कुल खरे नहीं सर, है। टेररिज्म की एक्टिविटी भी देखने को मिली भिवाड़ी को, मालूम है और याद है कि इस पूरे इलाके को देखते हुए यहाँ एसपी, कलेक्टर, एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मतलब आप पूरी की पूरी एक जो जिले के लिए एक मशीनरी है वो वहाँ शुरुआत करी उसकी, और आज वो मशीनरी के ऊपर ना तो इनके पास सिपाही हैं, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, किस तरह का प्रशासन चल रहा है। थोड़ा सा जब तक कड़क नहीं रखेंगे, सरकार कड़क नहीं रहेगी। और मुझे एक बात की और इसके अंदर पीड़ा है कि सरकार के जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर कोटकासे में आ जाते हैं, यहाँ का दौरा नहीं करते हैं। यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए था, सीनियर कैबिनेट मंत्री को आना चाहिए था, जब जाके जनता के ऊपर विश्वास होता है। आज जो हमारे सोनी समाज के लोग हैं, दुकान वाले लोग हैं, उनके ऊपर उनका कैश भी रहता है, जेवरात भी रहते हैं, तो सबसे बड़ा तो उनके ऊपर खतरा है। आज ये हुआ है, कल दूसरी जगह हो सकता है, तो भयभीत है पूरा भिवाड़ी। इसको भयभीत को हटाने के लिए यहाँ प्रशासन भी करे और सरकार को आके यहाँ सहानुभूति देनी चाहिए। सर आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे जब चुनाव थे, जब यहाँ पे जो हो रहा है तो बांग्लादेश, आप देखिए कि आज जो एक हालत है चुनाव के अंदर, हमने देखा है यहाँ के जो माननीय सांसद हैं बाबा जी, वो एक बुलडोजर के अंदर बैठ के आए अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। ये उनकी शब्द थे कि यहाँ साइकिल चोरी नहीं होने वाली है, यहाँ तो हत्या हो रही है। तो ये उनकी खुद की मंशा बताती है कि कहने और करने में क्या इनका फ़र्क है। तो इसलिए आज जनता ने खुद ने महसूस कर लिया है कि ये सब झूठ बात करने वाले लोग हैं,
और हम इसको विधानसभा के अंदर भी, और मैं खुद इसका अभी जो मुझे ज्ञापन मिला है इसको मैं दिल्ली तक इनकी बात गूंजेगी ये मैं वादा करके जा रहा हूँ।